साल के आखिरी में रिलीज हुई दृश्यम 2 इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज में शुमार हो गई है। रीमेक होने के बावजूद भी ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। दृश्यम 2 की सफलता के बाद अजय देवगन काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। अगले साल अजय की एक और रीमेक मूवी भोला भी रिलीज होने वाली है। आपको बता दें, इस मूवी को अजय देवगन ही डायरेक्ट कर रहे हैं और वो इस मूवी में एज अ मेन लीड भी दिखाई देंगे। भोला मूवी भी साउथ की एक मूवी कैथी की रीमेक है। अजय देवगन इससे पहले 3 मूवीज डायरेक्ट कर चुके हैं और आपको बता दें कि वो तीनों मूवीज फ्लॉप हो गई थी। अजय देवगन की सबसे पहली डायरेक्टेड मूवी थी यू मी और हम, जो 2008 में रिलीज हुई थी। मूवी का बजट 25 करोड़ था और इसने 20 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इनकी दूसरी मूवी थी शिवाय, जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी का बजट था 130 करोड़, इसने कमाई की थी 84 करोड़ की। इनकी तीसरी मूवी इसी साल रिलीज हुई थी रनवे 34, जिसके बारे में तो सब जानते हैं कि वो भी फ्लॉप हो गई थी। तो कुल मिलाकर कहें तो अजय देवगन ने जिन जिन फिल्मों को डायरेक्ट किया है वो सभी फ्लॉप हो गई हैं। अब अजय फिर से भोला मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में भोला हिट होगी या फ्लॉप, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अजय देवगन ने अपने करियर में काफी ज्यादा रीमेक मूवीज में काम किया है, जिनमें से ज्यादातर हिट रहे, जैसे कि गोलमाल, दृश्यम, सन ऑफ सरदार और सिंघम। और जैसे अभी दृश्यम 2 इतनी बड़ी हिट साबित हुई है, वैसे तो यही लगता है कि भोला भी हिट होगी। लेकिन जब हम एज ए डायरेक्टर अजय देवगन को देखते हैं तो मूवी खतरे में दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि अजय अच्छे डायरेक्टर नहीं है, उनकी मूवी शिवाय का डायरेक्शन काफी अच्छा था और यही हाल रहने 34 का था। लेकिन पता नहीं क्यों उनकी डायरेक्टेड मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं। अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा ये भी बताएं कि क्या आप भोला मूवी के लिए एक्साइटेड हैं और क्या लगता है आपको, क्या अजय देवगन की ये मूवी हिट होगी या फिर पिछली 3 मूवीज की तरह फ्लॉप हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।